सुल्तानपुर से खबर सामने आई। बता दें कि पत्नी और दो बच्चों से पीछा छुड़ाकर प्रेमिका को पाने और 9 लाख के कर्ज से बचने को युवक ने रचा था अपनी हत्या का ताना बाना। दुबेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात एक चालक द्वारका प्रसाद शुक्ला को शराब पिलाकर की गई थी हत्या। खुद को मुर्दा दिखाने के लिए शातिर कथित मृतक विक्रांत वर्मा ने रची चालक की हत्या के बाद उसे जलाने की साजिश। डेथ बॉडी के पास अपनी बाइक खड़ा कर उसकी जेब में डाला था विक्रांत ने अपना मोबाइल। 16 जनवरी को कोतवाली देहात के दुबेपुर फार्म हाउस में मिली अंजली लाश से जुड़ा मामला। पत्नी और कर्जदारों को चकमा देकर फरार हुआ विक्रांत वर्मा हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार हुआ। दिनांक 21/1/2024 को मुकदमा अपराध संख्या 29/24 धारा 302-201 IPC में पंजीकृत किया गया। यह मुकदमा मृतक विक्रांत वर्मा के पिता श्री रमेश कुमार वर्मा द्वारा पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे के अंतर्गत ये घटना घटित हुई थी कि एक डेड बॉडी हमें जो 100% जली हुई थी वो मिली थी। इस घटना के अनावरण में मुखबिर खास द्वारा ये सूचना मिली कि विक्रांत वर्मा जो कि मुकदमा अपराध संख्या 29/24 में मृतक है वो अभी के जिंदा है और उसका किसी उसी के गांव की एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है और जो एक दूसरे से अभी भी कांटेक्ट में हैं। जब वो मोबाइल नंबर सर्विलांस के माध्यम से पता कराया गया तो वो दोनों मोबाइल अभी भी एक्टिव थे। तो इस के सफल अनावरण के लिए SOG और थाना कोतवाली देहात से अलग अलग टीमें गठित की गईं और उनकी गिरफ्तारी के लिए उन्हें रवाना किया गया। जब गिरफ्तारी हुई और उससे पता चला, विक्रांत वर्मा से पूछताछ की गई तो विक्रांत वर्मा ने अपनी सारी कहानी बताई कि उसने बिजनेस के लिए पहले भी बहुत सारे लोन ले चुका था और अपनी प्रेम प्रसंग लाइफ को वो अपने घर वालों से छुपाना चाहता था क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। इस वजह से उसने ये प्लान सारा किया। ये प्लान उसने पानीपत में रह के किया। वहाँ पर उसके दो दोस्त हैं शक्तिमान और अनुज, इन दोनों ने साथ मिलकर इस घटना को प्लान किया। 15 तारीख को ये दो तीनों पानीपत से चल के पहले कासगंज जाते हैं, फिर 15 तारीख को सुल्तानपुर में आते हैं। सुल्तानपुर में अलग अलग होटलों में ये लोग रुकते हैं और 16 तारीख के शाम में इन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग अमहट पे स्थित मंडी के पास जो शराब का ठेका है वहाँ से किसी ऐसे व्यक्ति को उठाया जो शराब के नशे की हालत में हो, जिसे जो उस घटना को होने से रोक ना पाए, रजिस्ट ना कर पाए, इसलिए उन्होंने ऐसे आदमी को उठाया और अपने फार्म हाउस पे ले जाते हैं। वहाँ फार्म हाउस पे पहले उस बंदे को, जो कि एक सफ़ेद कुर्ता और पैजामा और ब्राउन कलर की जैकेट पहने हुआ था, उसे पहले मफलर से उसका गला घसीट के मार देते हैं, फिर उसे अपना कपड़ा पहना देते हैं। अपनी ही बाइक से विक्रांत वर्मा अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के उसे 3-4 बोतल उस पर डाल देता है और उसे वहीं जला देता है। और फिर ये घटना करने के बाद उसी रात 16 तारीख के रात 9 बजे ये लोग होटल से चेकआउट करके बंधुआ कलम से कई जैकेट खरीदते हैं और फिर ये लखनऊ में जाके उस रात लखनऊ में रुकते हैं। अगले दिन ये कासगंज जाते हैं, फिर वहाँ से पानीपत चले जाते हैं। इस तरह इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और इस घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पूरे SOG टीम और थाना कोतवाली टीम को 25,000 रुपये के नाम से पुरस्कृत किया है। ठीक है।